के पीछे सफाई की थी। जी बस कर रही हूँ अच्छी तरह से करो। जी ये देखो यहाँ भी बहुत कचरा है, जी जी और ये जो जगह है ना इधर ये फिर... फजूल काम छोड़ो और नसीन से कहो कि जाके लंच लगाए, मुझे बाहर भी जाना है। बस थोड़ा सा काम रह गया है मैडम, फिर मैं लगवा देती हूँ। तुम मुझसे जबान चलाओगी? अपनी औकात में रहो। मैंने कहा है कि लंच लगाओ तो मतलब लगाओ। पहले पहले लंच लगा दो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा काम। जाओ। जी ठीक है। नौकरों से तो तुम्हारी बड़ी बनती है, बड़ा सुनते हैं तुम्हारी। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन? लाख कोशिश कर लो तुम समीरा नहीं बन सकते। फारूक के लिए समीरा सब कुछ थी, कुछ भी कर लो तुम समीरा की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई, मेरी अपनी एक शख्सियत। और रही बात जगह की, तो मैं सिर्फ अपनी जगह बना रही हूं बस। तब पर लगी रहो इन्हीं नौकरों के साथ, सफाई करवाना, खाना बनवाना, कभी ना कभी तो तुम्हारी जगह भी बनी जाएगी। मेड की ही सही, ये मेरा घर है, अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। और घर को घर बनाने के लिए सब कुछ तो करना ही पड़ता है। और रही बात जगह की, तो ये घर तो उसी दिन मेरा हो गया था जब फारूक मुझसे निकाह कर मुझे इस घर में लेकर आए थे। जगह भी मेरी है और घर भी। घर? तुम्हारा घर? कभी ख्वाब में भी सोचा था तुमने कि तुम इतने बड़े घर में आ जाओगी? कभी नहीं, यकीन कर। लेकिन हकीकत में देखिए ना, आ तो गई। मेरी किस्मत में होगा, इसीलिए सब मिल गया। एहसान मानो मेरा जो तुम इस घर में आ गई। अगर मैं बच्चों को ना मनाती ना, तो फारूक तुमसे ना शादी करता और ना तुम इस घर में आती। सही कह रही हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया।